आइए एक बार फिर से 2021 का क्वेश्चन देखें। 2021 में कितना नंबर? 16 नंबर। 2021 का 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड सेटिंग है ना? हाँ। फर्स्ट सेटिंग है? हाँ। ठीक, सुनिए, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग नहीं। तो फर्स्ट सेटिंग में जो क्वेश्चन था हम 15 को कर लिए थे, ठीक है? हाँ। अब 16वां से होगा। जिनके पास जो भी क्वेश्चन हो निकालो, जहाँ भी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसका थीटा क्या डिग्री है? वो 60 डिग्री। कोई मान लीजिए कि वृत्त है, क्या है? कोई वृत्त, ठीक ठाक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, क्या सेंटीमीटर? 21। इधर 21 दे देते हैं, कड़ा की 60 डिग्री पर झुकल, क्या डिग्री पर झुका हुआ है? 60। ये 21 होगा ना बुआ, त्रिज्या सेम होता है। आपसे पूछा है चाप की लंबाई, अगर हम बात करें तो ये जैसे ए अभी हुआ ना, ई ए बी, यही चाप है बुआ, ये जो गया यही क्या कहलाता है? चाप। ए भी क्या कहलाएगा? चाप। ए भी क्या कहलाएगा? चाप। तो वो हम जानेंगे कैसे कि ए बी है, तो इधर पी लिख देते हैं, यानी कि ए पी बी, क्या नाम हो जाएगा इसका? ए पी बी क्या नाम हो जाएगा इसका? ए पी बी ऐना दे देंगे, ये होता है मतलब चाप, चाप की लंबाई कथी 2πr θ/360। अच्छा बात करते हैं हम 2πr क्यों लगता है, 2πr इसलिए लगता है कि परिधि है, कथी है परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। थीटा, थीटा क्या डिग्री दिया था? 60 डिग्री दिया था। r का मान मालूम है, रख दीजिए आंसर आ जाएगा 2 × π का मान 60, त्रिज्या 21, थीटा का मान 60/360, कोई दिक्कत? 22 सेंटीमीटर इसका क्या है? इन्हीं को दिक्कत है, ये बात से बोलिएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक उतारिए। देखो अगला क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। वो जब भी समदूरस्थ की बात करेगा, जब भी बात करे तो एगो जो बिंदु होगा ना वो दूगो बिंदु से समान दूरी पर होगा। कौन दूरी पर होगा? समान दूरी पर। ये चित्र आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ वो देखो ध्यान दो, कौन कौन बिंदु बोले हैं वही लिखोगे, एक्स वाई में संबंध बोला है तो एक्स वाई को यहाँ लिखोगे, या इसी पर और भी क्वेश्चन आता है जैसे कि एक्स अक्ष पर हो तो एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स जीरो लिखेंगे, वाई अक्ष पर हो तो जीरो वाई लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ऊपर वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। ए बाबू अल्लाह ना रे, चलो ठीक है। अब सुनो यहाँ पे देखो, कितना कितना बिंदु है बुआ? 3 और 6 -3 और 4, ठीक ठाक लिखे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं? बुआ नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ P लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं? R लिख लेते हैं, इसका मतलब है PQ बराबर होगा किसके? समदूरस्थ में PQ बराबर PR, या जो भी बिंदु आप लिखेगा वो बिंदु बराबर होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर होगा किसके? PR के, होगा कि नहीं होगा? अब दूरी आप लोगों को पता है, दूरी क्या होता है? रूट अंडर x2 - x1 इसी तरह से y2 - y1 सेम बात उधर होगा ना बुआ रे, या आप स्क्वायर भी कर सकते थे यहाँ पे, उससे भी हो जाता, हमको रूट देना नहीं पड़ता। क्या नहीं देना पड़ता? रूट नहीं देना पड़ता, ठीक है, ठीक ठाक लिख रहे ना? किसी को दिक्कत है ये बात से? नहीं बुआ। देखो x2 की जगह पर बोलो 3 - x2 कोई दिक्कत? π2 के जगह पर 6 है, उधर y है, तो 6 - y का होल स्क्वायर। देखो ए रूट से रूट मान लो कि कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो x2 के जगह पर x1 के जगह पर फिर से x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? π2 के जगह पर 4y। यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है -2ab। किन्हीं को दिक्कत? a माइनस बी भी एक तरह से समझ लो, ठीक है, a माइनस बी ही है, तो 6 × 1 यानी कि 6² + y² - 2 × 6 × y लिख सकते हैं बुआ, ठीक है। आगे देखो, बोलो यहाँ पर ए है या ए बी है, तो बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो बोलो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू इंटू ए इंटू बी दुलरुआ को दुलरुआ को होता है माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसी जा रहे हैं ए माइनस बी और स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर माइनस टू ए बी या पहले बी स्क्वायर ही लिख लेते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से माइनस टू इंटू ए इंटू बी लिख सकते बुआ हाँ। कोई दिक्कत नहीं देखे बताइए तीन तीन आठ ना एक्स स्क्वायर होगा हाँ। ए बउआ तीन दूनी लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं छह दूनी वाई ना तीन तीन एक्स स्क्वायर होगा माइनस माइनस छ एक्स होगा चार चौका सोलह वाई स्क्वायर होगा ए वाई स्क्वायर हो रही चार दुन्नी ये बहु एक्स स्क्वायर काटा नौ से नौ काटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काटा और कोई काटे वाला है चलो इधर देखो अच्छे से देखो माइनस छ एक्स है कितना बचा माइनस छ माइनस बारह वाई क्या वाई बुआ उधर से वाई वाला को इधर लाओ एक्स वाला को इधर लाओ छत्तीस बचल है ना माइनस हाँ इधर से लाते बोले ये जाएगा माइनस छ एक्स उसको ला प्लस आठ वाई हो जाएगा हाँ। ए बुआ इधर कितने बचा सोलह कितने मतलब बुआ छत्तीस है जोड़ में जाएगा ऐसे लिख सकते हैं बोलो दिक्कत है रे ना। नहीं है छ छ बारह छ छ छ छ इधर बता दे ठीक है बारह में से आठ क्या बोलो माइनस चार वाई ना रे इधर घटाओगे तो माइनस बीस माइनस से माइनस चार से भाग दे दो कितना से भाग दे दो माइनस चार से अगर भाग दे दोगे तो देखो अच्छे से चार तिया बोलवा तीन एक सताई चार एक प्लस वाई आएगा चार पंच यही ना संबंध है इसी को संबंध बोलते हैं कोई दिक्कत आंसर आ गया ना आपके पास नोट कीजिए ना अच्छा हाँ एक चीज आप क्या दे दीजिएगा यहाँ पे और दीजिए बराबर दीजिए या दीजिए बात समझ में आ रहा है कि ना लेकिन ये देना मस्ट है नोट कीजिएगा एक बार जल्दी से